हेलो दोस्तों, मैं अंकित रोजगार विद चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये सांकेतिक भाषा का चौथा वीडियो है, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो मैं बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं दे पाया रीजनिंग का, तो थोड़ा सा शेड्यूल कभी कभी बिजी हो जाता है, तो मैथ का कंटिन्यू दे रहा था। तो रीजनिंग आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपका रीजनिंग कंप्लीट कराकर ही हटूंगा और बाद में प्रैक्टिस भी करूंगा। डोंट वरी दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो मेरे साथ रीजनिंग की, तो आप एक एक चीज के साथ निश्चिंत रहो, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, और क्रम में मिलेगा, ठीक है। तो पहला देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो पांच पांच क्वेश्चंस बन जाते हैं एक एक फॉर्मेट पे इस पे, है ना। तो आप देखिएगा, मैं आपको आप समझाने की कोशिश करता हूँ। जो थर्ड वीडियो मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि उसमें मैंने कैसे कैसे छांटे थे, तो इसमें भी ऐसे ही छांटना है। इस वहां तो एक सेंटेंस होता था कि ये करके, या इसका इस कोड का मतलब ये, तो एक सेंटेंस होता था, एक शब्द का एक अक्षर होता था, है ना। इधर अंक दे देता था, तो यह नीला है, तो यह का अलग, नीला का अलग, है का अलग छांटना होता था। तो यह नीला की जगह अब ये आ गया है बस, और इसमें ये आ गए हैं, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको दिखाऊंगा भी। तो ये देखिए, सबसे पहले इस तरह की रीजनिंग बैंकों में आई थी, लेकिन बैंकों से दिल्ली पुलिस SI 2007 में ये आपके इनमें आने लगी है। दिल्ली पुलिस ने इसको उठाया था, और दिल्ली पुलिस के बाद बैंकों में लगातार आती रहती है। बैंक में तो पहले ही थी, बैंकों से ही उन्होंने उठाया, फिर दिल्ली पुलिस ने तो लगातार इस पे क्वेश्चन बनाए हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, कांस्टेबल में भी, SI में भी लगातार, है ना। तो अब UPSI में भी पूरा चांस था इन क्वेश्चनों का आने का, लेकिन UPSI में नहीं आए, तो अब चांस है यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया जाए। तो हम क्यों अपना ऐसा है कि ये बहुत आसान चीज है, और हम एक टॉपिक को क्यों छोड़ के चलें, कम इम्पोर्टेंट होने की वजह से। कम इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो नहीं आएंगे, बिल्कुल पूरा पूरा चांस है। आप ऐसा मत मानिए कि ये यूपी पुलिस में नहीं आ सकता या रेलवे में नहीं आ सकता, आप कोई भी चीज अब कहीं भी सकती है, वो सब इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आता है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम कहो जी इम्पोर्टेंट क्या है, मैं कहता हूँ कॉम्पिटिशन में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट होता है जो पेपर में आता है, ठीक है, और किसी को कोई आइडिया नहीं होता क्या आने वाला है, ठीक है। तो अभी आप हर चीज को तैयार करके चलेंगे, तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूं सिंपल भाषा में, कि ये चार पांच अक्षर दिख रहे हैं आपको, चार पांच वर्ड लेटर दिख रहे हैं अंग्रेजी के, और इधर भी पांच ही लेटर आपको दिख रहे हैं ना। तो इन पांचों लेटर का, इन पांचों में एक एक है, कोई सा किसी का हो सकता है। एस का जरूरी नहीं है कि आई हो, ओ का जरूरी नहीं है के हो, ठीक है, क्योंकि यही चीज तो पूछिए लास्ट में आप, देखो ए का क्या कोड है, सी का क्या है, तो आप बड़े आराम से बताएंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर तो ए का मैं बी कर देता, अगर ऐसे ही पूछना होता इसको, फिर तो क्या था सवाल में, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सभी अक्षरों का एक एक कोड है, लेकिन उस क्रम पे नहीं है। जैसे एस का पहला है तो पहले पे नहीं है, ओ का दूसरा है तो दूसरे पे, जो के है ये ओ का नहीं है, पर ये जरूर है कि एस का इन पांचों में से ही है, जो भी कुछ है। एस का वी नहीं हो सकता, तुम कहो जी वी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वी वी जो है एस के साथ आई नहीं रहा है, समझ में आई ना बात। तो ये पांच अक्षर हैं, ये पांच यहाँ पे, तो कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि अब इस पांच वाले के सामने सात वाला लिख देता है, और इन पांच को इस नीचे वाले के सामने लिख देता है, कई बार ऐसा करता ही है ना, और मुश्किल बनाने के लिए। तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चनों में भी क्या करना है कि पांच वाले के सामने पांच वाला लिखना है बस, सात वाले के सामने सात वाला, अगर ये क्रम में भी नहीं लिख रखे हैं तो आप उनको उसी क्रम में लिख देंगे। समझ में आ गई ना बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, भाई ये इस चीज को ऊपर भी लिख सकता था इसके सामने, फिर ऐसा नहीं है आप एस का इनमें से ढूंढने लग जाओ, क्योंकि ये सात अक्षर है, पांच है, तो पांच वाले के सामने पांच वाला ही आएगा, समझ में आई ना बात। तो यहां तो सब पांच वाले के सामने पांच वाला, सात वाले के सामने चार वाले के सामने चार वाला, तीन वालों के सामने तीन वाला, ये चार वाले के, ये पांच वाले के सामने पांच वाला, छह वाले के सामने छह वाला, सिंपल लिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बस छांटना है। तो एस का क्या करते हैं कि एस का मैं कोड छांटने की कोशिश कर रहा हूं, और आप देख रहे हो यहां दो बार एस आ रहा है और एस यहां भी आ रहा है, तो कॉमन चीजों से छटेगा। तो एस यहां दो बार है, तो इधर दो बार कुछ जरूर आ रहा होगा,
तो उनका दो बार तो ओ भी आ रहा है और पी भी आ रहा है, क्योंकि देखिए डी भी दो बार आ रहा है, तो डी का या तो ओ है या पी है, एस का भी या तो ओ है या पी है। अब कौन सा एस का है कौन सा डी का है, ये बात क्लियर नहीं हो पा रही। देखो नीचे कहीं एस नहीं आ रहा, डी तो आ रहा है, तो डी के साथ ओ चल रहा है या पी चल रहा है ये तो निश्चित है, या तो ओ है या पी है, तो डी का क्या हो गया ओ, पी तो है नहीं इसमें, और डी का कोड डी के साथ जरूर चलेगा, तो पी तो नहीं चला, तो पी फिर किसका हो गया एस का, तो एस यहां भी था एस का पी यहां भी आ रहा है, यहां डी भी आ रहा था इसलिए इस लाइन से, तो कुछ भी क्लियर नहीं कर पाते, ओपी यहां भी है ओपी यहां भी है, लेकिन ये लाइन ने क्लियर कर दिया कि डी यहां है तो इसका कोड ओ होगा, पी नहीं हो सकता, अगर पी डी का होता तो यहां भी पी आता जरूर। समझ में आई ना बात, तो डी का क्या हो गया ओ हो गया, और S का क्लियर हो गया पी हो गया, तो मैं कहूं S और D क्लियर आपको। अब O U N तो इनमें नीचे देखो कौन सा कॉमन है, O आ रहा है, देखो O इसमें है O यहां है O यहां है, इन तीनों में एक सा क्या है, सबसे ऊपर वाले में इसमें और इसमें तीनों में एक जैसा मुझे बताओ छांट के क्या है, तो मैं बताता हूं I K M O P, I K इसमें भी है, M O P तो है नहीं, तो I K यहां भी है, अब I यहां नहीं है तो K है, तो K चल रहा है किसके साथ O के साथ, क्योंकि I नहीं चला तो I नहीं हो सकता, O के साथ चलेगा जो वही O का है, हर जगह O का साथ जो नहीं छोड़ेगा कहीं भी वही O का कोड है, तो O भी क्लियर हो गया। अब U N बचे, एक का पता लग जाए बचा कुचा उसका हो जाएगा, ठीक है, तो कोई से का मुझे पता लग जाए बस N का पता लगा लू, U तो है क्या नीचे, हाँ U है, तो इन दोनों से U का ही पता लगा लो आप, इन दोनों में U का क्या है एक सा, तो C J M V, तो इनमें से कोई सा एक U का है, C है J है M में V है, तो इनमें से क्या आ रहा है, C आ रहा है यहाँ, J आ रहा है, M आ रहा है, V आ रहा है, कोई सा भी नहीं आ रहा C J V में से, सिर्फ M आ रहा है, तो M हो गया U का, तो U के साथ जो चलेगा वो U का है। अब बचा कुचा N का, तो N के लिए क्या बच गया दोस्तों बताओ ना, जो अभी तक किसी का नहीं लिया, I बचा है ना, I N का हो गया। अब तुम खुद चेक कर लो, जहां भी N आ रहा होगा I जरूर आ रहा होगा, आ रहा है ना, N जहां भी आ रहा होगा I जरूर आ रहा होगा, N जहां भी आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है ना, ये पांचों क्लियर है तो राइट मारो सब पे, ठीक है। तो अब इससे मुझे पता रहेगा मैंने D क्लियर कर लिया, S क्लियर कर लिया, ऊपर से और क्या कर लिया, A R E, इन तीनों को छांटना है अब आपको, तो A तो कहीं भी नहीं है, A तो छोड़ दो बचा कुचा A के लिए है, R और E, R और E का छांटना चाह रहा हूं, इन दोनों में R एक सा है और कुछ एक सा है, R के अलावा कुछ एक सा है, C J M V, तो इनमें से C J M V में से कौन सा रहा है V, तो R का हो गया V। समझ में आई ना बात, बिल्कुल आप ऐसे ही बिल्कुल टेंशन मत लो, R का V हो गया। अब E का क्या बचा, E कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो I तो इसमें से क्लियर है किसका, N का। अब E T का या तो A है या B है, तो E के साथ क्या चल रहा है, A चल रहा है या B चल रहा है, B चल रहा है, A नहीं चल रहा है भाई, E का हो गया B। समझ में आई ना, जहां जहां E होगा वहीं वहीं देखेंगे हम, तो E भी क्लियर हो गया, R हमने क्लियर कर ही लिया, बचा कुचा A का, A के लिए क्या बच गया, L किसी का भी नहीं आया, तो A का L हो गया। समझ में आई ना बात, तो सारे क्लियर होते जा रहे हैं। अब आप देखो C क्लियर नहीं, R क्लियर, U क्लियर, C और X बचे हुए हैं। अब देखोगे नीचे आते आते सब क्लियर हो चुके होंगे, C और X में से C का क्या है, C इन तीनों में, इसमें इसमें इसमें, तो इन तीनों में एक सा क्या है, देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने M इसमें से क्लियर कर लिया है, मैंने V क्लियर कर लिया, देखो M V U का और V क्लियर, तो C और J में से है C का या तो C है या J है, तो C के साथ C चल रहा है या J चल रहा है, J चल रहा है, देखो आप C यहाँ है तो C के साथ C तो है नहीं, J चल रहा है, तो C का हो गया J। समझ में आई ना आपको बात, C का J, फिर C किसके लिए बच गया, X के लिए, तो X का हो गया C। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा मैं मानता हूं आपको, तो N का आप क्लियर कर चुके हो, E का क्लियर कर चुके हो, ऊपर से N और E हमें पहले ही क्लियर है ये दोनों N और E, ठीक है। और T का क्या बचा, बचा कुछ T का, N का क्या आया था I N का हो गया, E का क्या आया था B, तो बचा कुछ T जो है A का, तो T का A। समझ में आ गई ना बात, अब C क्लियर है, R क्लियर है, O क्लियर है, N क्लियर है, ऊपर से क्लियर है सब, Y का क्या बच रहा है, Y का बताओ ना आप, I हो चुका है, J हो चुका है, C का J था, K भी हो चुका है, O का था, और T
टी किसका है भाई, टी तो अभी नहीं हुआ किसी का, वी हो चुका है, आर का था तो फिर टी बच गया वाई के लिए, वाई के लिए क्या बच गया टी, क्लियर है ना वाई भी। अब सी क्लियर, आर क्लियर, ओ क्लियर, डी क्लियर, वाई क्लियर, डब्ल्यू का बच रहा है, बचा कोचा जी, डब्ल्यू के लिए जी अभी किसी का नहीं है, सारे छांट लिए, अब कोई से भी सवाल का उत्तर दे लो। ए का चाहिए मिल गया, ये रहा एल, ए का एल है ना, सी का चाहिए छांट दो इनमें से जे, सी का जे, डी का, डी का तो हमने बहुत पहले ओ कर दिया था है ना, टी का चाहिए, टी का देखो, टी का ए आया था अभी आया था, ड्रॉन डी आर ओ डब्ल्यू एन, ये इसने खतरनाक दे दिया, डी का ओ आया और आर का सब छांटने पड़ेंगे, आर का वी आया है ना, ओ का क्या आया, ओ का भी आपने देखा था, ओ का के आया, के आया, डब्ल्यू का क्या आया, डब्ल्यू का फिर देखता हूं जी आया था शायद, जी आ गया, और एन का आई आया था, आई चेक करो एन का आई था ना, हाँ एन का आई था, तो ये उत्तर हो गया। ये मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं दोस्तों, मैंने इसलिए लिखे हैं, मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली पुलिस ने एक बार पूछा था ओ वी के जे आई, ये जी आई यही ढूंढोगे आप ऑप्शन में, और ये ऑप्शन नहीं था, फिर आप क्या उत्तर लगाओगे। देखिए एक तो तरीका ये है डी का पूछ ले, इनसे आसान तो कोई बात नहीं है, एक ये तरीका है आपको सीधा सीधा ऑप्शन में ये उत्तर दे दे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है अगर इतना भी मिल जाए तो। अगर फिर तुम क्या होगे जी ये नहीं दिया तो फिर क्या देगा, ये तो देना ही पड़ेगा उसको, दोस्तों ऐसा कर देता है कई बार, क्योंकि देखो इनका क्रम जरूरी नहीं है आपको लगा के दे, पर इनके जितने भी कोड हैं जैसे वी के जी आई ओ, ये उत्तर बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसका जरूरी नहीं है, डी का वो पहले ही लिखे, क्योंकि उसने ही क्या लिख रखे हैं सही क्रम में, जब उसने नहीं लिखे तो हम ही क्यों लिखे, तो ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, या ये सारे अक्षर ढूंढने आपको किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो ये भी इसका उत्तर सही है, के पहले लिख दू तो भी उत्तर सही है, जी पहले लिख दू तो भी उत्तर सही है, कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हो, पर ये पांचों सारे एक से मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता, समझ में आ गई ना, ये पांचों सिर्फ और सिर्फ किसी एक ऑप्शन में होंगे, तो ऐसे ही आप रोड का तो क्रम में मत ढूंढना बस, इनको क्रम में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वो बेस्ट उत्तर है, अगर नहीं मिला क्रम में तो फिर आपको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जैसे मैंने इसमें बताया आपको, समझ में आ रही है ना ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, तो इसमें ऐसा होगा वी के जी आई सी लगा दिया किसी में ओ, तो सी वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी किसी का है ही नहीं, तो ऐसे देगा, तो जिसमें पांचों होंगे वही उत्तर है, ईयर एस इन सब का आप छांट लोगे बड़े आराम से अब, है ना। अब फॉर ए प्रैक्टिस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा है, मैंने खुद करने के लिए नहीं लिखा है ये, आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना और एक एक का छांट के मुझे बताना, और भाई बताना क्या आप अपना चेक कर लेना, आपको खुद सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने सबका छांट लिया, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है, इतना बड़ा जो है तो ये आपको खूब भरपूर मतलब एक्सरसाइज करवा देगा। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं फिर से, ए दोनों में ए है तो दोनों में और भी कुछ एक सा, एल भी दोनों में एक सा है और भी कुछ एक सा, बी भी दोनों में एक सा है, ए एल बी तो ए एल बी इधर भी तीन एक से होंगे जरूर, तो वे ए एल बी के ही है, ए एल बी के लिए क्या है तीन एक से, देखो दो 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 ठीक है, पांच भी है और क्या है तीन भी एक सा है। अब इनमें ये नहीं पता ए का कौन सा है, एल का कौन सा है, बी का कौन सा, अब देखो अब ए यहां भी आ रहा है, एल नहीं है यहां, एल नहीं है तो ए बी है यहां, तो ए बी के साथ तीन में से कौन से दो चल रहे हैं, ए बी के साथ पांच और दो, तो एल का क्या बच गया तीन, समझ में आई ना, पांच और दो किसके साथ चले ए और बी के, तो एल के साथ क्या छूट गया तीन, तो एल का तीन हो गया। अब ए बी में से क्लियर करना है कि ए बी में से कौन सा किसका है, दो और पांच में से कौन सा, ए बी में से दो और पांच में से क्लियर नहीं हो रहा अभी, अभी होगा ना, ए आगे आ रहा है, ए कहीं और तो आ रहा होगा, ये आ रहा, तो ए के साथ दो चल रहा है या पांच चल रहा है, तो ए के साथ दो, बी का हो गया पांच, तो ऐसे आप क्लियर कर लोगे सबका, मेरी तो उम्मीद मुझे तो यही है। तो ए क्लियर, एल क्लियर, बी क्लियर, अब बचे एम और एस, तो एम और एस कहीं तो आ रहे होंगे, एम और एस दोनों साथ ही यहां भी, ये भी बड़ी आफत है, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, एम और एस, एम और एस के लिए अक्षर कौन से बच रहे हैं, चार और आठ। अब मैं चेक करूं एम एस कहाँ आ रहे हैं, और देखिए यहां तो एम नहीं है, सिर्फ एस से, तो एस के साथ चार चल रहा है आठ चल रहा है, तो एस के साथ चल रहा है आठ,
तो एम के लिए हो गया 4। ऐसे आप छांट पाओगे बड़े आराम से। तो पहला तो मैंने क्लियर कर दिया, बाकी आप क्लियर कर लेना, ये तो इसमें क्लियर ही है। आर और क्यू के नीचे से छांट लेते, देखो क्यू आ रहा है सिर्फ एक सा, तो इन दोनों में एक सा, वो तो जो छांट लिया हो तो अलग कर दो, 2-5 तो है ही है, इसके अलावा क्या एक सा, 601639 तो 6, तो किसका हो गया 6, क्यू का, जो दोनों में एक सा। तो ऐसे आप छांट लोगे मेरे ख्याल से, और बचा कुछ आर का 9, ठीक है। तो सबका छांट सकते हो, तुम कहो जी इस पे क्वेश्चन तो आपने बनाया नहीं, तो भाई ये क्वेश्चन ही तो ऐसे ही तो पूछ लेगा, एल का बताओ, क्यू का बताओ, पी का बताओ, तो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है ना। ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना सकता है इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चनों में, और आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे आप जहां से भी करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको, और पसंद ना आए तो मुझे कमेंट में लिख देना जी हमारी समझ में नहीं आया, मैं इस वीडियो को तुरंत हटा दूंगा, फिर दूसरा वीडियो नए सिरे से ले आऊंगा इसी वीडियो को, ठीक है। पर मुझे बता देना कि आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो वैसा ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। अगला वीडियो बहुत जल्द मिलेगा आपको, सांकेतिक भाषा का 5वां, आगे बहुत मजा आने वाला है सांकेतिक भाषा में, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।